नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन 2 मिनट 10 बड़ी खबरों में। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। सपा मुखिया का भाजपा पर तंज, अखिलेश बोली बीजेपी की डबल इंजन सरकार। ये केवल अधिकारी खेलती है, साथ ही बंगाल सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। यूपी के गुंडा में हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ढहे 2 मकान, 4 बच्चे समेत 8 की मौत, 6 गंभीर घायल, लखनऊ किए गए रेफर। उद्योगों पर पड़ रही ऑक्सीजन की कमी की मार, यूपी के मेरठ में उद्यमियों ने 700 सिलेंडर प्रशासन को दिए थे, लेकिन उद्यमियों की शिकायत है कि अब तक नहीं मिले सिलेंडर, उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई ठप। कोरोना मरीजों को राहत, महाराष्ट्र में कोविड का इलाज कराना हुआ सस्ता, सरकार ने ए बी और सी शहर की कैटेगरी के हिसाब से इलाज की कीमत तय की, संभावना है इससे कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। एक हफ्ते में 450 अरब से अधिक बढ़ी मुकेश अंबानी की संपत्ति, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एक सप्ताह में 10% बढ़े। अंबानी फिलहाल एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 12वें सबसे अमीर शख्स हैं। कोविड-19 के बीच 8 माह तक 11,000 गरीबों के राशन का खर्च उठाएंगे मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे। रॉयते ने कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आइजोल पूर्व द्वितीय से तीसरे के बाद से ही वो अपना मासिक वेतन बचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कसा जबरदस्त तंज। ममता ने कहा कि दिसंबर से पहले केंद्र का सभी नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का दावा बिल्कुल झूठा, केंद्र कर रहा है सिर्फ आधारहीन बातें। आ गया नया नियम, सेवानिवृत्ति के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वक्त बरते सावधानी, वरना रुक जाएगी आपकी पेंशन। नियम के तहत अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, बिना अनुमति सामग्री पब्लिश करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। वर्ष 2020 में रेलवे ट्रैक पर 8,733 लोगों की हुई मौत। आरटीआई के तहत हुआ खुलासा, कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सेवाओं में कमी के बावजूद भी हुई मौतें, मृतकों में कई प्रवासी मजदूर हैं शामिल। पाकिस्तान को आशंका, अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध, इसके बाद सुरक्षा को लेकर एक सवालिया निशान लगा रहेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हों तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।